नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSE विद HSM में। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा RET 2020 के अंतर्गत शेष रहे सब्जेक्ट के इंटरव्यू रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में जारी नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे और इसी के साथ में RET 2021 में ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ाए जाने के संदर्भ में भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके संदर्भ में भी हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। 19/4/2021 को RET 2020 इंटरव्यू रिजल्ट नोटिफिकेशन थर्ड इन रिमेनिंग सब्जेक्ट दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। फैकल्टी ऑफ अर्थ साइंसेस, सब्जेक्ट जियोग्राफी, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट एंड नेम ऑफ सुपरवाइजर अलोटेड के संदर्भ में हम यहां जानकारी ले सकते हैं। टोटल विद्यार्थी हैं 20 जिन्हें सफल घोषित किया गया है। ऑल द कैंडिडेट्स टू होम सुपरवाइजर्स आर अलोटेड शैल बी रिक्वायर्ड लेटेस्ट बाय 7 मई 2021। तो यहाँ पर 7 मई 2021 तक का समय दिया गया है जो जिन विद्यार्थियों को सुपरवाइज अलोट किए गए हैं। ज्वाइन अंडर द सुपरवाइजर बाय फिलिंग द ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म फ्रॉम वेबसाइट www.dpsmlse.org एंड सबमिटिंग द ड्यूली कंप्लीटेड ऑनलाइन फील्ड फॉर्म टू द डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज थ्रू द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कंसर्न। तो यह स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों को जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग जो फॉर्म है वो फिल करना होगा। इसके संदर्भ में भी हम जानकारी लेंगे। डिपॉजिट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी 8,000 रुपये एंड कोर्स वर्क फीस है 5,000 रुपये हमें जमा करानी होगी। डिपॉजिट एनुअल कॉलेज फी एंड इनक्लोज ए कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट विद द ज्वाइनिंग रिपोर्ट। सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ एनी सर्विस कैंडिडेट। सबमिट माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ लास्ट डिग्री क्वालिफाइड फ्रॉम अदर देन मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। अगर आप मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जो माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो भी जमा कराना होगा ज्वाइनिंग के समय, रिपोर्टिंग के समय। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट एक्वाइंटेड विथ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू PhD प्रोग्राम। द कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू अवेल जूनियर रिसर्च फेलोशिप ऑफ UGC, CSIR और एनी अदर इंस्टीट्यूशन शेल वी हैव टू मार्क अटेंडेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू डिपार्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेकिंग क्लासेज एज पर रूल्स। इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्स वर्क क्लासेज फॉर रिसर्च मेथोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट वेबसाइट www.dpsmlse.org रेगुलरली फॉर फर्दर अपडेट्स। तो यहाँ इस वेबसाइट पर हमें रेगुलरली जो अपडेट्स हैं रहना होगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। The head of Department of Geography to forward joining report after verification of certificate, marksheet and to instruct students to deposit college fees. तो यह स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों को अपने समस्त जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाने होंगे ज्वाइनिंग के समय। तो इस तरह से जो शेष रहे सब्जेक्ट हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। जियोग्राफी, अब बात करेंगे हम सब्जेक्ट हिस्ट्री की। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज
रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ सुपरवाइजर अलॉटेड। इन विद्यार्थियों को भी 7 मई 2021 तक का समय दिया गया है, ये अपनी रिपोर्टिंग करेंगे और ऑनलाइन फीस डिपोजिशन करेंगे, ये रजिस्ट्रेशन करेंगे 8,000 रुपये प्लस 5,000 रुपये कोर्स वर्क के, और डिपॉजिट एनुअल कॉलेज फी एंड इनक्लोजर ए कॉपी ऑफ फी रिसीट विद ज्वाइनिंग रिपोर्ट। यदि आप अदर यूनिवर्सिटीज़ से हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जाना होगा। पॉलिटिकल साइंस रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट एंड नेम ऑफ सुपरवाइजर अलॉटेड। काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा था पॉलिटिकल साइंस के रिजल्ट के संदर्भ में, इन्हें भी 7 मई 2021 तक का समय दिया गया है और ये ऑनलाइन फीस डिपॉजिट कराएंगे 8,000 प्लस 5,000 रुपये और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि आप इन केस ऑफ इन सर्विस कैंडिडेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप विश्वविद्यालय से इनरोल्ड नहीं हैं तो। तो इस तरह से 3 सब्जेक्ट के जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए गए हैं। फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस, सेकंड हिस्ट्री एंड फर्स्ट जियोग्राफी। तो इस तरह से तीनों जो शेष रहे सब्जेक्ट थे उनके रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। इस पीडीएफ फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप इन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उन विद्यार्थियों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग एवं ज्वाइनिंग करानी होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए विद्यार्थियों को लेटेस्ट न्यूज़ के अंतर्गत RET 2020 ज्वाइनिंग एंड रजिस्ट्रेशन फॉर दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें कैंडिडेट लॉगिन फॉर PhD ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म RET 2020 दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जहां पर हमें लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग 7 मई 2021 रोल नंबर यहां पर फिल करेंगे और यहां DOB हम सेलेक्ट करेंगे। DOB सेलेक्ट करने के लिए दिए गए लिंक पर हम क्लिक कर सकते हैं, यहां पर हमें क्लिक करना होगा और यहां सबसे पहले हमें ईयर्स, इसके पश्चात मंथ और इसके पश्चात हमें डे फिल करके लॉगिन होना होगा। लॉगिन होने के बाद हमें जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा उसमें दी गई एंट्रीज हमें कंप्लीट करनी होगी। विद्यार्थियों को ईमेल एवं दिए गए जो सुपरवाइजर हैं उसके मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। तो विद्यार्थियों को क्या करना होगा इसके संदर्भ में, विश्वविद्यालय की फैकल्टी प्रोफाइल में जाकर सुपरवाइजर्स की ईमेल आईडी लेनी है और उसके पश्चात उन्हें ईमेल आईडी पर संपर्क करके जो मोबाइल नंबर है लेने होंगे। और इसी के साथ में बात करते हैं हम सेकंड नोटिफिकेशन के संदर्भ में। RET 2021 डेट एक्सटेंडेड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। इन कंटिन्यूशन टू ईयरलर नोटिफिकेशन डेटेड The last date for filling online application for RET 2021 is hereby extended up to 20 मई 2021. यानी 20 मई 2021 तक हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं RET 2021 के लिए। आवेदन करने के लिए दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। RET 2021 एडमिशन फॉर्म दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है दिखाई देगा। क्लिक हियर फॉर PhD एडमिशन फॉर्म RET 2021 दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। जिस पाठ्यक्रम में हम पीएचडी करना चाहते हैं उस पाठ्यक्रम के सामने हमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जैसे पाठ्यक्रम है पीएचडी इन जियोग्राफी फैकल्टी ऑफ अर्थ साइंस, दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा, जिसे हम फिल करेंगे। इसके संदर्भ में हम पूर्व में विस्तार पूर्वक एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पूर्व इस वीडियो का अवलोकन आप अवश्य करें, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RVCV HSM के साथ। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन करें। यदि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने में समस्या आ रही हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में जो सदस्य संख्या है वो कंप्लीट हो चुकी है, अतः आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSC HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।